नमस्कार, मैं रिंकू पांतावने और आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र टीवी 24 के दिन विशेष व्यक्ति इस कार्यक्रम में। आज सरोजिनी नायडू की जयंती है और हर जगह उनकी जयंती मना रहे हैं। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू की गणना उन वीर नारियों में की जाती है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनकी कविता की कोमलता और उनके मधुर आवाज के कारण ही गांधी जी ने उन्हें भारत की बुलबुल और भारत कोकिला जैसे उपाधि से सम्मानित किया। सरोजिनी नायडू ने अपनी मधुर और मीठी आवाज से देश की जनता में आज़ादी की उमंग जगा दी। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने महिलाओं को भी ललकारा। ऐसे बहादुर विद्वान राजनीतिज्ञ और कवयित्री सरोजिनी नायडू की आज 140वीं जयंती है। उनके किए हुए कार्यों को महाराष्ट्र टीवी 24 की तरफ से उन्हें शत शत नमन। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1829 को हैदराबाद में एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय और माता का नाम वरदा सुंदरी देवी था। सरोजिनी नायडू बचपन से ही एक मेधावी छात्रा रही और उनकी आरंभिक शिक्षा चेन्नई में तथा उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हुई। उनका रुझान बचपन से ही कविता लिखने में था और उन्होंने स्कूल शिक्षा के दौरान ही कविता एवं नाटक लिखना आरंभ कर दिया था। सरोजिनी नायडू जब भी भाषण देती या कविता पढ़ती तो उनका श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो जाता। उनके इसी गुण के कारण उनका नाम भारत कोकिला पड़ा। उनका पहला कविता संग्रह द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में प्रकाशित हुआ था। वह एक कवयित्री होने के साथ साथ एक प्रख्यात नेता और राजनीतिज्ञ भी थी। सरोजिनी नायडू गांधी जी से पहली बार लंदन में मिली और उनके विचारों से ही अत्यंत प्रभावित होकर स्वयं को देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। वह 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें केसर ए हिंद पदक से सम्मानित किया, परंतु 1920 में जलियनवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने यह पदक वापस कर दिया। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरे नेताओं के साथ नेतृत्व किया, जिसके लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। उन्हें स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल बनने का भी गौरव प्रदान हुआ। वह उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी। सरोजिनी नायडू आजीवन महिला सशक्तिकरण और विकास के लिए भी निरंतर कार्यरत रही। 70 वर्ष की आयु में 2 मार्च 1949 को लखनऊ में भारत कोकिला सदैव के लिए मौन हो गई। उनके महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए कार्यों के सम्मान में उनके जन्मदिन 13 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू की स्मृति में देशभर में अनेक महाविद्यालयों, अस्पतालों एवं दूसरे शिक्षण संस्थानों को उनका नाम दिया गया है। इतिहास में सरोजिनी नायडू का नाम एक समर्पित स्वतंत्रता सेनानी, प्रख्यात कवि, महिला सशक्तिकरण और क्रांतिकारी नेता के रूप में सदैव सम्मान से लिया जाएगा। ऐसी महान नेता सरोजिनी नायडू को महाराष्ट्र टीवी 24 की ओर से शत शत नमन।